एक मौलाना ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी अगर तुम एक रात हमारे कब्रिस्तान में बैठ जाओ तो तुमको 10,000 रुपया दें। अरे पंडित जी ने कहा मैं महामृत्युंजय जाप कर चुका हूँ 1,50,000 भूतों को तो मैंने खुद ही पाल रखा है। पंडित जी गए कि डंडा गाड़ेंगे और फिर वापस चले आएंगे, और जब उन्होंने डंडा गाड़ा तो हिल ही नहीं पाए उसके बाद। अगर इस देश में समझदारों की संख्या ज्यादा होती कोरोना कुछ ना कर पाता सर, और ना कर पाएगा। इसकी खतरनाक ये डेंजरस क्यों है? पहली बात, निमोनिया पैदा कर देगा, सेकंड स्ट्रेन लंग इंफेक्शन बढ़ा देगा, लेकिन टाइम तो लेता है ना सर। दूसरी इसकी खतरनाक चीज क्या है? आइसोलेशन। और बाकी सारे रोगों में दो चार लोग मरीज के अगल बगल बैठे रहते हैं, कहानी सुना रहे हैं, चुटकुला सुना रहे हैं, उसका मन इधर उधर कर रहे हैं, यहां आदमी अकेले हो जा रहा है सर। इस रोग की जो सबसे निगेटिव पहलू है वो ये है कि आदमी आइसोलेशन में चला जाता है, और आइसोलेशन में अगर दिमाग निगेटिव हुआ, वो आया ही है अस्पताल में व्हाट्सएप के वीडियोज देख के, फेसबुक के वीडियोज देख के, वो पहले से ही पूरा होमवर्क करके आया है, सब फीड है उसका कि हाँ इतने लोग मर गए, वहां ये मर गए, फलाने मर गए, ये हो गया। और फिर उस दशा में जब वो आदमी आइसोलेशन में जाता है, बस वो सारे थॉट उसमें डोमिनेट हो जाते हैं। इसलिए 90% जो मृत्यु कोरोना में हो रही है वो भय की वजह से हो रही है। इस संबंध को समझना पड़ेगा सर। इसलिए मैं आप सभी लोगों से पहले दिन से निवेदन कर रहा हूं कि भय का वातावरण बिल्कुल ना बनाएं। एक मौलाना ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी अगर तुम एक रात हमारे कब्रिस्तान में बैठ जाओ तो तुमको 10,000 रुपया दें। हमारे कब्रिस्तानों में तो भूत और जिन्नात शाम को 7 बजे के बाद ऊपर आके बैठ जाते हैं। अरे पंडित जी ने कहा मैं महामृत्युंजय जाप कर चुका हूं 1,00,000, तंत्र मंत्र करने में जिन्नात उन्नात से मैं नहीं डरता, 50 भूतों को तो मैंने खुद ही पाल रखा है। मौलाना ने कहा अच्छा तो आज रात हमारी कब्रिस्तान में बिताकर दिखाओ। पंडित जी चले गए। मौलाना ने कहा कि आज रात सिर्फ रहना नहीं है, डंडा ले जाओ और कब्र पे गाड़ देना और डंडा पकड़ के खड़े रहना। पंडित जी गए कि डंडा गाड़ेंगे और फिर वापस चले आएंगे, और जब उन्होंने डंडा गाड़ा तो हिल ही नहीं पाए उसके बाद। पंडित जी वहीं गिर गए, खत्म। सुबह मौलाना आया, देखा पंडित जी तो मरे पड़ा हुआ थे। वह ये कैसे हो गया? तो देखा उसने गौर से चारों तरफ घूम के, तो पंडित जी धोती पहने थे और धोती जमीन से लग रही थी, और जब उन्होंने डंडा गाड़ा तो धोती के साथ डंडा अंदर चला गया। तो जब वो पलटे तो धोती तो डंडे में फंसी थी। उनको लगा कि पकड़ लिया इसने, पंडित जी निकल लिए। सांप काटने से, सारे सांप जहरीले थोड़ी होते हैं, लेकिन सांप काट ले बहुत लोग मर गए। सांप चूहे काटने से मर गए, रात में चूहा काट लिया। अब काटा चूहे ने और देखा सांप जाते हुए, निकल लिए। इतनी भयंकर भयंकर बीमारियां हैं, इतनी भयंकर भयंकर खतरनाक। वैसे कोई बीमारी भयंकर हिंदुस्तान में तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं आपसे पहले दिन से एक बात कह रहा हूं, भय मत फैलाइए। आइसोलेशन इस बीमारी का कोई कुछ खतरनाक पहलू नहीं है। इस बीमारी का सबसे खतरनाक पहलू है एकांतपन, आइसोलेशन, और उससे मरीज को निकालने के लिए उसे साहस देना पड़ेगा।